आदिम जाति कल्याण मंत्री ने संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास कार्यालय का निरीक्षण किया। मंत्री आदिम जाति कल्याण के कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक भी ली। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह इंदौर के संभागीय उपायुक्त आदिवासी कार्यालय पहुंचे। यहां पर मंत्री आदिम जाति के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा कर बैठक लेंगी। मंत्री सभी अधिकारियों से किए गए कार्यों पर चर्चा भी करेगी। आदिम जाति कल्याण मंत्री ने कहा कि आदिवासियों को गैर हिंदू मानने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए काम कर रही है। आदिवासियों छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में घोटाला करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू होगी। आज इंदौर संभाग के जो हमारे सभी जिले हैं वो सभी जिले की संभागीय बैठक मैंने रखी है, समीक्षा बैठक। उसमें जो हमारे विभाग के माध्यम से, चाहे वो क्लब विद्यालय हो, कन्या शिक्षा परिसर हो या अन्य स्कूल भवन, छात्रावास भवन, तो ये सारे जो भवनों का जो निर्माण हो रहा है विभाग के माध्यम से, वो सभी चीज़ों के भवनों के बारे में समीक्षा की गई कि भवन की स्थिति क्या है, वो कंप्लीट हो गए हुए नहीं हुए, कोई कमी हो तो वो भी उनसे हम संबंधित विभागों से जानकारी लिए। तो समीक्षा में सभी वनाधिकार का पट्टा है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का आह्वान है कि जो भी हमारे ट्राइबल जो बरसों से जो जंगल विभाग की जमीन में काबिज हैं, तो उनके हक के तहत उनको वनाधिकार पत्र दिया जाए।